नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। खानपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 3 में सड़क की हालत बहुत ही खराब है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वही लोगों का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनेगा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। खानपुर प्रखंड के कानूबिशनपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 में सड़क की हालत बहुत ही खराब है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क का शिलान्यास 12 साल पहले किया गया था, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बना। शिलान्यास पट भी टूट के गिर गया है। लोगों का कहना है कि जब बारिश में पानी घर में घुस जाता है तो दुर्घटना रोज होता है। बारिश के पानी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर सड़क नहीं बनेगा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। एक तरीके से बोला जाए तो रोड नहीं तो वोट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज, मैं उमेश चौधरी। ये समस्तीपुर के खानपुर ब्लॉक अंतर्गत कानू बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं। जो यहाँ पे जो रोड पे है, जो बना हुआ है, ये रोड जो है दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे हर जो भी घर के यहाँ रोड के बगल में बसे हुए हैं, उनके घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान है। और यहाँ पे बताया गया कि विधायक जी आए और शिलान्यास करके चले गए, इसका कोई देखने वाला नहीं है इस रोड को। और हम अभी बहुत से ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, और आइए हम ग्रामीणों से पूछते हैं कि उनकी समस्या क्या है। और अभी इलेक्शन आ रखा है, और इस चुनावी सभा में क्या ये करेंगे कि चुनाव होगा या नहीं, इनकी ऊपर है। और ये क्या करना चाहते हैं और क्या इनकी प्रॉब्लम है, उस पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? करण कुमार का। क्या समस्या है इस रोड का? रोड का हाल काफ़ी दयनीय है। महामारी का रूप ले लेता है, और हर वर्ष का ये कहानी 15-16 साल से ये खरंजा होने होने में, इसके दिखावे के लिए विधायक मुन्ना मंडल जो है वो शिलान्यास करके कहाँ गए उसका आज तक कोई पता नहीं। और पानी जो है यहाँ पर 15-20 घरों में जब बारिश का पानी होता है तो सब में घुस जाता है, सब में घुस जाता है। तो अभी इलेक्शन का समय है, अब चुनावी माहौल है। चुनावी के लिए विधायक बहुत से प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनको क्या बता रहे हैं आप लोग? उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुखिया से संपर्क किया जाता है तो वो भी कुछ इसका रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। वही कोई पंचायत प्रतिनिधि इसका कोई खबर लेने वाले। तो यहाँ पे जो समस्या है वो काफ़ी दयनीय है। जिस समस्या को ना विधायक जी सुन रहे हैं, ना जो पंचायत के जो मुखिया जी है जनप्रतिनिधि वो सुन रहे हैं, और ना ही वार्ड मेंबर, जिनको यहाँ की जनता ने वोट दे के अपने रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ से हुआ था कितना दुकान रोड नहीं बन रहा है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? घर में पानी ढुकल है, वहाँ खाना बनाता है, वहाँ रहता है, इससे बीमारी पैदा होगा। ऐसा है क्या? पानी और पानी भगने का डर नहीं है, पानी भगने का सुविधा चाहिए। तो है वो भी जाता है, सबको खराबी पहुँचता है, बच्चा है दो चार को उसको भी खराबी पहुँचता है। यहाँ पे कितना जनसंख्या होगा इस जगह का, जो ये रोड 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 जो है, जो जहाँ से ये रोड आ रही है और यहाँ आगे जा रही है, तो इतने बीच में कितनी जनसंख्या होगी रोडों की? 3-4 हजार से ऊपर होते हैं। ऊपर होते हैं। ये दो पंचायत को जोड़ती है, ये दो पंचायत को भी जोड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये जो पंचायत है ये दो पंचायत को जोड़ रही है, ये सड़क मुख्य सड़क है। और ये कानू बिशनपुर वार्ड 3 की सड़क है, जो इधर खैरी पंचायत और इधर कानू बिशनपुर पंचायत को जोड़ती है। और भी हमारे साथ माताएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे बेस्ट 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे रोड बहुत कीचड़ा है, पानी फंस जाता है, आदमी को निकलने का डर नहीं है। निकास काट में दिया टूटा जाता है, दिए जाएगा किसको जाएगा, क्षति होगा हम लोग को, क्षति होगा। कोई बड़ा गाड़ी नहीं आ पाता, देखते हैं आए हुए है उस जगह, पानी ले लेकर उपज करके उधर के फेंकते हैं, देखते हैं नतीजा। 10-15 बरस से इतना दूर में रोड नहीं बन सकता है, सब तक रोड बन गया, खरंजा तनिको बन गया, यहाँ पर कोई सुनिश्चित नहीं है, न वार्ड नंबर सुनता है, न मुखिया सरपंच सुनता है, कोई भी नहीं। पानी का तो निकले का व्यवस्था चाहिए। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।